मैं कुमार अश्मित आज मैं आया हूँ कटिहार के बीएमपी फील्ड में। जैसा कि आपको पता है कि आज छठ पूजा है और मैं निकल पड़ा हूँ इस छठ पूजा की जितने भी घाट है उसकी सैर करने। मैं आपको तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पे लोग छठ पूजा करते हैं, लोग वहाँ पे अर्घ देते हैं, लोग किस तरह से पूजा कर रहे हैं, मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आइए देखिए मेरे साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट। पहले मैं अंदर चलता हूँ और अंदर कुछ देखते हैं, अंदर की क्या दृश्य है, अंदर कैसे लोग पूजा कर रहे हैं। आइए अब ऐसा देख के लग रहा है कि लोग आ चुके हैं और भी कुछ लोग बाकी होंगे, वो घुस रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे छठ पूजा मनाया जा रहा है। एक नाम बताइएगा सर। शंकर शर्मा। क्या मतलब इस बार कैसा मतलब छठ पूजा बन रहा है, कुछ चेंज हुआ है या कुछ? बहुत सुधार हुआ है जी, सफाई उफाई के लेके मामले में बहुत। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। इस बार छठ पूजा कैसा मन रहा है, क्या लग रहा है देख के? बहुत अच्छा मन रहा है। पिछले साल के मुताबिक इस साल कैसा रहा? बहुत अच्छा है, इसमें मतलब कोई शक नहीं। कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बहुत चेंज हुआ है, घाट भी चेंज हुआ बहुत है। मजा आ रहा है इस बार छठ पूजा में? बहुत मजा आ रहा है। बताइएगा सर, नाम बताइएगा। शंभू प्रसाद गुप्ता। क्या सर इस बार का क्या लग रहा है, चेंज हुआ है क्या? चेंज हुआ है, फीका फीका लग रहा है। अगले साल के बनिस्पत इस बार बहुत कम आदमी है। ददन कुमार गुप्ता। बताइए इस बार का छठ पूजा कैसा मन रहा है पिछले साल के मुताबिक? छठ पूजा तो अच्छा ही मन रहा है सर। मतलब कि इस बार कुछ चेंज हुआ है इससे पहले, या इस बार कुछ चेंज है इससे पहले कुछ चेंज था? नहीं, चेंज तो नहीं है, चेंज तो सही है, सब ठीक है, सारा विधि व्यवस्था सही है, सब चीज सही है जी। परिचय बताइए। ददन कुमार गुप्ता, मिर्चाई बाड़ी चौक। मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ का जो बीएमपी का जो मेन घाट है, जो बीच में है, इस घाट में इसे पहली बार यहाँ पे हर साल की भांति यहाँ पे मानचित्र होता था भारत का, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर, गाइडलाइन को लेकर लोग अपने घर पे ही रह गए। बहुत सारे लोग घर पे ही मनाया गया छठ, क्योंकि जैसा सरकार की तरफ से गाइडलाइन आया था उसका पालन कर रहे हैं लोग। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और यहाँ के लोगों से कुछ जानेंगे। बताइएगा, नाम बताइएगा जी। धर्मेंद्र कुमार। इस बार क्या मतलब कि इस बार ऐसा क्यों, यहाँ पे मानचित्र क्यों नहीं बना? मानचित्र इसलिए नहीं बना कि थोड़ा सा पानी का जो अथी जो है वो थोड़ा सा आगे आ गया है, और थोड़ा सा कोरोना को लेते हुए मैंने देख के मानचित्र। इस बार थोड़ा भीड़ भी कम लग रहा है जी, सब आदमी अपने अपने घर के आगे में छठ पूजा कर रहे हैं, इसी कारण से थोड़ा सा भीड़ भी कम है। बहुत बहुत कमी आई है जी, बहुत कमी आई है। इस बार आप हल्का में मतलब सब चीज़ काम हो रहा है जी जी। आपका नाम क्या हो गया जी? धर्मेंद्र कुमार। क्या बाबू, इस बार का छठ पूजा कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमी पड़ गई है। हाँ। कोई कोई लोग तो अपने छत पे ही कर रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मृणाल सिंह। बबलू कुमार। इस बार ऐसा यहाँ पे मानचित्र हुआ करता था भारत का, इस बार क्यों नहीं हुआ? हाँ, कोरोना की वजह से हम लोग उतना उत्साहित नहीं है जी, सिर्फ मना रहे हैं क्योंकि पूजा है वो तो मनाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कि भीड़ ज़्यादा ना हो, इसलिए हम लोग ने मानचित्र को नहीं बनाने का डिसीजन। इस बार क्या लग रहा है कि पहले के मुताबिक इस बार पूरी कमी आई है? थोड़ा उत्साह कम है, थोड़ा लोगों में उत्साह कम है, और लेकिन सावधानी के साथ भी मनाना है तो अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया गया है, सिर्फ पूजा पर ध्यान रहे और जल्दी से जल्दी दूरी मेंटेन करते हुए पूजा करके चले जाएगा। यही यहाँ के जो मेंबर हैं, इस घाट के जो मेंबर हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानेंगे इस बार भारत का जो मानचित्र है वो क्यों नहीं बनाया गया। बताइएगा सर, नाम बताइएगा। मेरा नाम अवधेश कुमार राय है। सर इस बार यहाँ पे एक भारत का मानचित्र हुआ करता था और बहुत भीड़ होती थी इससे पहले साल भी, इस साल क्यों नहीं है और इस साल क्यों नहीं बनाया गया मानचित्र? भारत का मानचित्र कोरोना काल को और यहाँ के बढ़ती भीड़ को, चूँकि यह सार्वजनिक घाट है, यहाँ किसी को किसी प्रकार का रोक नहीं है, तमाम जगह के सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को हम पहचानते हैं, बहुत को नहीं भी पहचानते, ऐसे में अत्यधिक भीड़ लगने की यहाँ संभावना रहती है,
और ऐसे में हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि इस बार भारत का मानचित्र नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर ऊपर वाले माँ छठ का कृपा रहा और सब चीज़ ठीक ठाक रहा, कोरोना काल समाप्त हो जाएगा, तो अगली बार उसको और भी भव्य बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को भारत माता के प्रति भी समर्पण हो और उनका जो है आस्था बढ़े भारत माता का। अवधेश कुमार राय, मिर्चावाड़ी। मैं यहाँ का सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी का अध्यक्ष और ये सारे हमारे मेंबर। तो अब मैं आया हूँ कोल फैक्ट्री के पास और अभी मैं कुछ देर पहले आपको बीएमपी घाट की तस्वीर दिखा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि अभी शाम हो गया है, लोग अपने घाटों पे पहुँच रहे हैं घरों से निकलकर और पूजा का कार्य चालू है। तो आइए मैं आपको और एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, ज़रा कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि ये जो तस्वीर है ये काफ़ी क्या लग रही है देख के आपको। और पूरी तरह से भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, जाके जो पूजा करने आया है उनसे पूछता हूँ और बात करेंगे। आइए, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम ईश्वर यादव हुआ। इस बार क्या लग रहा है, कैसा व्यवस्था किया गया है पिछले साल के मुताबिक, इस साल कैसा? पिछले साल की अपेक्षा तो इस साल बहुत अच्छा हुआ है और विधि व्यवस्था भी है, और लोग कोरोना से भी अपना परहेज भी कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग बना के भी रखे हुए हैं। और अब की बार तो मतलब कुछ क्या कहते हैं कि लॉकडाउन के वजह से कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा उत्सव का पर्व है कि जो लोग आदमी अपने आप को सब कुछ भूल कर खुशी खुशी यह व्रत को मना रहे हैं और आनंद पूर्वक भी मना रहे हैं। सब उत्सव है बहुत। इस बार छठ पूजा कैसा मना है? लोग जो है मन काफ़ी मात्रा में यहाँ आकर के उसका पूजन कर रहे हैं, और जितने भी श्रद्धालु व्यक्ति हैं अधिकांश आए हुए हैं, सब मुझे फील्ड भर गया है। बड़ी ही खुशहाली की बात है, लोग छठ के प्रति बहुत ही। देख रहे हैं कि वो बहुत ही उल्लास के साथ इस बार ढोलक बजाया जा रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलूंगा, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से जानते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गोलू कुमार पासवान हुआ। इस बार का छठ पूजा कैसा मन रहा है? हर एक साल से यहाँ पे अच्छा से ढंग से हो रहा है और बढ़िया से मन रहा है और बहुत अच्छा से होता है यहाँ पे। पहले से तो बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। जी, मेरा नाम विश्व विकास कुमार गुप्ता हुआ। इस बार आपको कैसा लग रहा है पिछले साल के मुताबिक? पिछले बार की भांति इस बार तो कुछ सुना सुना लग रहा है। कोरोना महाकाल चल रही है, इसके मद्देनजर खास करके रखा जा रहा है, और पहले के तरह तो बहुत शांत स्वभाव में पूजा संपन्न हो रही है। नाम हो गया आपका? संतोष कुमार सिंह। इस बार COVID-19 के तहत यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ दूरियाँ तो है ही, लेकिन और बहुत आदमी सहयोग भी किए हैं, क्योंकि पूजा जो है ये छठ महापर्व, हम लोग का ये पूजा महापर्व है, इसमें इसको ध्यान नहीं देते हुए भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहा, भीड़ रहा और सबका सहयोग रहा। मैं नागेंद्र राम, जब से कटिहार में आए हैं और बिजली विभाग के बरमसिया पावर हाउस में, तब से प्रत्येक साल नई नई तरह से यहाँ जो है पूजा की व्यवस्था की जाती है और कोशिश की जाती है कि जितना बढ़िया से बढ़िया हो सुविधा मुहैया कराते हुए पूजा भगवान की, जो सूर्य भगवान की पूजा को मानी जी जान से लगा करके मैं पूजा करूँ। बताइएगा जी। मेरा नंदू हुआ पूर्णिया। हर साल जो है ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ, हर चीज़ का फैसिलिटी व्यवस्था और हर साल बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। मुरली झा हुआ। इस बार क्या महसूस हो रहा है आपको कि इस बार जो अभी छठ पूजा हुआ है, पिछले साल कुछ अलग हुआ था, इस बार अलग हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि इस साल कैसा बना है? नहीं नहीं, हर बार की भांति जैसे हो रहा है, हर साल हो रहा है, उस तरह से हर बार अच्छा कुछ होते रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला बार और अच्छा हो। इससे यहाँ अच्छा पे जो छठ व्रतियाँ हैं उनको आप लोग क्या सुविधा दिए थे इसमें सजावट के दौरान? सजावट के दौरान तो जो चीज़ है देख ही रहे हैं,
और कोई भी चीज़ की आवश्यकता अगर यहाँ पे होती है किसी भी चीज़ की तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है और हम अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ पे मतलब इस एरिया से लोग आते हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी आते हैं, ये पावर हाउस सिर्फ नहीं रहता है, बाहर अगल बगल जितना भी है सारे लोग आते हैं और सब चाहते हैं कि हम लोग यहीं पे करें क्योंकि यहाँ पे उनको सुविधा मिलती है हर चीज़ की और बड़ा ही अच्छा ढंग से सब अपना पर्व मनाते हैं यहाँ। आपको तरह तरह की खबरें मैं आपको देता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबीन्यूज़ 27।